इतनी मोटी मोटी घास आई है, क्या ये कट जाएगी इससे? अगर ना चला हाँ, 10 किसान अपने गांव से लेकर आना, हाँ 10ों को मशीन फ्री में दूंगा पक्का। करनी हो 20 इंच से लेकर मार्केट की 12 इंच तक गहराई में ये काम कर रही है, बिल्कुल। अगर इसकी गहराई ना हो हाँ ठीक है हाँ, तो भी लाइव डेमो के साथ वीडियो कट मत कीजिएगा। कट नहीं करूंगा मैं, कट मत कर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती में। किसान में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छोटा भीम पावर टिलर। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई छोटी सब्जियों की खेती करते हैं, मिर्च की खेती, गोभी की खेती, गन्ना की खेती, शिमला मिर्च की खेती, बैंगन की खेती, यानी कि बागवानी भी अगर करते हैं, तो हमारे किसान भाई इस छोटे से पावर वीडर को, छोटे से भीम को ले जाकर वहां पे जो खरपतवार होते हैं उनको बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई। किसान भाइयों को आज हम लाइव डेमो के माध्यम से दिखाएंगे कि इसकी क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटी है। हम इस पे पहले छोटा सा एक स्पेसिफिकेशन जानेंगे, ज्यादा इस पर हम यहाँ पे बात ना करके इसको डायरेक्ट लाइव फील्ड में लेकर चलेंगे, फिर देखेंगे इसकी औकात और जानेंगे कि फिर क्या है फार्मेसिया कंपनी की औकात। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए आपका क्या हाल है? हम तो एकदम बिल्कुल बढ़िया है। हमने औकात की बात कर दी, आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं सर। आपने कहा, कोई भी कहे, किसान भाई मेरा कहे, कोई मुझको टेंशन नहीं है, क्योंकि जब ये मशीनें मैं खेत में उतारूंगा आपको खुद ब खुद औकात पता लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर लेते हैं, पहले तो ये मशीन कितने सीसी में है भाई साहब? ये जो हमारा छोटा भीम है ये 82 सीसी में हम मार्केट में लेकर आए हैं। 63 सीसी भी हमारा आता है, वो भी मैं वीडियो में कवर करूंगा। 82 सीसी वाला भी ये मॉडल कवर करूंगा। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें इसके फ्यूल की खपत की, मिर्च के खेत में कितना लीटर करेगी भाई साहब? ये हमारा छोटा भीम जो है, मिनी टिलर है, इसकी मात्र 500 ml यानी कि 500 ग्राम की प्रति घंटा पेट्रोल की खपत है। चाहे वो गन्ने का खेत हो, चाहे वो मिर्ची का खेत हो, चाहे वो भिंडी का खेत हो, चाहे वो टमाटर का खेत हो, कोई भी प्रकार का खेत हो, इसने मात्र और मात्र 500 ml यानी कि आधा लीटर पेट्रोल की खपत करनी है। बिल्कुल पक्का 100%। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके ब्लेड्स की जी, इसमें कितने ब्लेड चलते हैं? मेरा जो किसान साथी है 12 इंच से लेकर 20-22 इंच तक इसमें गुड़ाई कर सकता है। बिल्कुल। गहराई की बात करूं तो कितने गहराई करता है? गहराई उस पे किसान साथियों पे पीछे एक पत्ती लगी होती है, उस पे डिपेंड करती है कि उन्होंने कितनी गहराई करनी है। पर ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये हमारा पावर वीडर, ये जो हमारा छोटा भीम है, ये 4 से लेकर 6 इंच तक गहराई करता है। बिल्कुल। ये जो आपने रीजर रखा है, ये जो यहाँ पे कल्टीवेटर रखा है, क्या ये कल्टीवेटर और रीजर इसी मशीन के साथ ऑपरेट होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी बिल्कुल जी, हमारी बकायदा फैक्ट्री है, हमने कोई भी बाहर से लेकर अटैचमेंट नहीं लगाई। ये हमारा पावर वीडर है, ये हमारा बोर्ड है, और इसके पीछे आप देख सकते हो वो हमारा यूनिट है, हमारी फैक्ट्री है। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से और किसान साथियों की कृपा से हम जो है किसान साथियों के लिए जो अटैचमेंट है, जो जो छोटा भीम है, पावर वीडर है, किसी भी प्रकार के इंप्लीमेंट है, खुद ही अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही अंदर असेंबल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी स्पेसिफिकेशन बता दीजिए एक मिनट के अंदर भाई साहब। ये हमारा 4 स्ट्रोक में 82 सीसी यानी कि 82 सीसी का इंजन के साथ पावर, 82 सीसी के साथ ये जो हमारा छोटा भीम है हम मार्केट में लेकर आए हैं। बिल्कुल। और इसकी टंकी की मैं बात करूं तो 1 लीटर की इसकी टंकी है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 82 सीसी का इंजन है, पेट्रोल वाला इंजन है, 1 लीटर की इसकी टंकी है, और किसान भाई को चलाते वक्त, चलाने से पहले इसमें कोई भी टूटीएल डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है, और इसको मेरा जो किसान साथी है 12 इंच से लेकर, यानी कि आप देखिए, अगर ये चलाएगा मेरा किसान साथी तो 12 इंच तक ये गुड़ाई कर सकता है। ठीक है जी, अगर ये जो ब्लेड लगे हैं देख सकते हैं किसान साथी, ये जो चौड़ाई है इसकी 18 इंच है, 18 इंच तक अगर किसी ने गुड़ाई करनी है तो वो किसान साथी कर सकता है, और एक्स्ट्रा भी इसके साथ आगे इधर सॉकेट में और दूसरी साइड सॉकेट में लगकर इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई के साथ मेरा किसान साथी काम कर सकता है, चाहे वो मिर्ची का खेत हो, चाहे वो गन्ने का खेत हो। और दूसरी बात, इसके साथ मेरा जो किसान साथी है वो पलाव लगा सकता है, यानी कि गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम करना है, मिर्ची के खेत में मिट्टी चढ़ानी है, किसी भी सब्जियों के खेत में मिट्टी चढ़ानी है, तो वो जो हमने पलाव भी बना दिया है। बिल्कुल। दूसरी बात, कल्टीवेटर धरती का सीना चीर कर मिट्टी की जो है करनी है कल्टीवेशन, हल जोतना है, तो इसी
छोटे भीम के पीछे लगाकर ये हल जोत सकता है मेरा किसान। बिल्कुल, अगर हम अगले वीडर पे चलते हैं जो हमारा अगला वीडर है, ये कितने सीसी में है? ये जो हमारा वीडर है आप देख सकते हैं, ये हमारा उससे थोड़ा छोटा मॉडल है। अगर किसी किसान भाई ने ये वाला वीटर लेना है तो ये हमारा 63 सीसी वाला इंजन के साथ छोटा बीम है, यानी कि ये 2 स्ट्रोक इंजन में है। बिल्कुल जी, तो इसमें टोटी एल पड़ेगा। इसकी भी 1 लीटर की टंकी है, इसमें टूटी एल डलेगा। इसमें भी एलिफेंट वाला फिल्टर हमने लगाया है, एलिफेंट फिल्टर, यानी कि अगर फिल्टर यहाँ पर लगा होगा तो इसमें मिट्टी जाएगी, इंजन खराब होगा, रिपेयर मांगेगा इंजन, तो उसी को देखते हुए हमने ये एलिफेंट वाला फिल्टर लगा दिया है। बिल्कुल भाई साहब, आपने स्पेसिफिकेशन तो बता दी जी, आपने बोला था डेमो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल भाई साहब, तो अब मैं आपको मिर्ची के खेत में लाइव डेमो के साथ ये चलाकर दिखाऊंगा। इसमें आपको कल्टीवेटर हो गया, मिट्टी लगाने का काम हो गया, गुड़ाई का काम हो गया, मिर्च के खेत में करके दिखाऊंगा। चले फिर, चलो जी, चलिए बिल्कुल लाइव फील्ड पे चलते हैं। बिल्कुल, तो भाई साहब अब हम आ गए हैं ये किसान भाई के खेत में, ठीक है जी। जी, चारों तरफ आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए, मिर्ची लगी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब मैं आपको इसमें जो खरपतवार हुई है, जो बीच में 18 इंच 20 इंच में खरपतवार हुई है, उसमें मैं आपको ये हमारा छोटा भीम चलाकर दिखाऊंगा, सभी अटैचमेंट के साथ इसके मिट्टी चढ़ाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो चलिए भाई साहब स्टार्ट कीजिए। अच्छा एक चीज, मेरे स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई साहब, ये जो इतनी घास इसमें दिख रही है भाई साहब, मतलब ऐसी ये घास है कि ऐसे कटती नहीं, देख रही कितनी मोटी मोटी घास है, क्या ये कट जाएगी इससे अगर ना चला? हाँ, 10 किसान अपने गांव से लेकर आना। हाँ, 10ों को मशीन फ्री में दूंगा। पक्का? बिल्कुल, देख लो। बिल्कुल ठीक है, फिर चला के दिखाओ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करो। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये काम कर रहा है हमारा छोटा दिल। पढ़ाई करनी हो 20 इंच से लेकर मार्केट में 12 इंच तक चौड़ाई में पढ़ाई करनी हो जी, हमें इसका नाम छोटा भीम ऐसी भी रखा, क्योंकि इससे छोटा भीम वाला काम है, तभी जो हमने इसका नाम छोटा भीम रखा है। आप सब भाई साहब जी, अभी आपने आपकी मशीन चली जी जी, ठीक है, और यहाँ से वहां तक अभी हम लोग लेकर आए इसको जी, देखा हमने बिल्कुल जो इसमें खरपतवार थे जी जी, बिल्कुल चूड़ा बना दिया है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ। हाँ, जब हम कोई एग्जाम देते हैं उसका हाँ, रिजल्ट आता है ना। हाँ, तभी हमने ये जो मशीन चलाई है इसका रिजल्ट बताता हूँ, आ जाइए। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। 1 मिनट पहले हाँ, आपने देखा होगा बिल्कुल, मोटी मोटी खरपतवार थी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो हाँ, अभी वो खरपतवार कहाँ चली गई? हाँ, ये आप बताओ। बिल्कुल, क्योंकि आपने चैलेंज किया था। बिल्कुल, अभी आप ये देख सकते हो हाँ, इतनी गहराई में ये काम कर रही है। बिल्कुल, अगर इसकी गहराई ना हो हाँ, ठीक है हाँ, तो भी उसके लिए चैलेंज है। बिल्कुल, जो चैलेंज किया था, बिल्कुल चैलेंज आपने पूरा किया है, वो चैलेंज ठीक है, चैलेंज आपका किया है। हाँ, पूरा इसका उखाड़ कर रख दिया। बिल्कुल रख दिया, और जो गहराई है, गहराई भी काफी अच्छी हुई। बिल्कुल जी, और बात भाई साहब ऐसी है कि इसी खेत में ये मान के चलिए 2-3 बीघा में ये मिर्ची लगी हुई है, इसी खेत में अगर लेबर वाले काम करेंगे बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ज्यादा। मैं खुद खेती करता हूँ, मेरे पास भी मिर्च लगी हुई है जी जी, तो उसमें लेबर अगर देखा जाए डेली की, अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में लगभग 1000 रुपए जा रहे हैं लेबर के। भाई साहब बात ऐसी है, हमने किसानों का सोचा है ठीक हाँ, है जी, किसानों का दिक्कतें आती हैं, उनको खर्चा ज्यादा लगता है हाँ, उसी को देखते हुए हमने ये मशीन बनाई है उनके लिए। बिल्कुल, इसका नाम है छोटा भीम। बिल्कुल, छोटी मशीन है पर काम इसका बड़ा है। बिल्कुल परफेक्ट मशीन है ये, परफेक्ट मशीन है। बिल्कुल, अच्छा एक चीज और भाई साहब है जी, इसी में जहाँ पे अभी आपने ये जुताई करी है जी, इसी में हमें जो है मिट्टी लगा के दिखा। अगर गन्ने में किसी मेरे किसान भाई ने मिट्टी चढ़ानी हो हाँ, मिर्ची में मिट्टी चढ़ानी है, जब कोई भी फसल पे 12 इंच से लेकर 25 इंच तक हाँ, जो इसमें चढ़ाई होती है वहां पर मिट्टी लगानी है, मैं आपको वो भी लाइव डेमो के साथ अब लगा कर दिखाऊंगा। बिल्कुल, देखिए ये तो आपने देख ली, खरपतवार दूर कर दी मैंने, ठीक है। बिल्कुल, अब इसकी अगली बारी आती है मिट्टी चढ़ाने की, ठीक है। किसान भाई मेरा चलते चलते रोटावेटर के साथ मिट्टी भी लगा सकता है हाँ, अगर बाद में लगानी है हाँ, तो बाद में भी लगा सकता है, ठीक है। अब मुझे इस पे पहले मिट्टी लगा के आप दिखाओ भाई साहब।
हाँ जी हाँ जी। एक चीज ये बताओ जी, आप कंपनी के मालिक हो जी, जी। आप ही सारी चीज किए जा रहे हो, ब्लेड लगा रहे हो, रीजर लगा रहे हो, जी, जी। बंदे बगल में खड़े इनसे लगवाओ आप। भाई साहब बात ऐसी है हाँ। कि जो किसान है हाँ। किसान इस कंपनी का मालिक है। अच्छा ठीक है हाँ। किसान के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जो किसान बोलता है हाँ। वैसी नौकर की तरह हाँ। मैं उनके लिए ये मशीन बना देता हूँ। बिल्कुल मान के चलिए उनके लिए एक मैं फोरमैन हूँ इस कंपनी में। ठीक है जी। तो ये जो छोटा भीम है बिल्कुल मैं किसान भाइयों के लिए अपने मालिकों के लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल आप ही चला के दिखाओगे, आप ही लगा के भी दिखाओगे? मैं खुद चलाकर दिखाऊंगा, खुद ही लगाकर दिखाऊंगा। ऐसे नहीं है कि किसी को बोल दूं बिल्कुल कि चलाकर दिखाओ, बिल्कुल खुद ही बिल्कुल, मिट्टी लगाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए धरती से जुड़े हुए हैं हाँ। तो किसान भी देखिए दिन रात खेत में मेहनत करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर वो कर सकता है मेहनत तो हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल जी तो हमरे ये तो हो गई कहने की बात जी जी। अब करके दिखाने की बारी, करके दिखाओ पहले। बस ठीक है सकता है। देखिए इसकी जो चढ़ाई है, जो प्लाव है डबल प्लाव, इसकी चढ़ाई मेरा किसान कम ज्यादा कर सकता है। चाहे लगाए मिर्च के खेत में, चाहे लगाए भिंडी के खेत में, मतलब सभी प्रकार के जो खेत में जो है अगर मेरा किसान मिट्टी लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। और किसान साथी मेरा इस प्लाव की जो चढ़ाई है वो कम ज्यादा कर सकता है अपने फसल के। सर ये तो हो गई मिर्च की बात जी जी। मिर्च में बहुत परफेक्ट काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल मतलब मान के चलिए आप 10 मजदूरों का काम आपने खत्म कर दिया बिल्कुल अकेली मशीन। 10 मजदूरों का काम ये एक ही मशीन करेगी। बिल्कुल छोटा भीम, छोटा भीम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और बताइए, जैसे मिर्च में तो आपने चला दिया बिल्कुल जी, ठीक है। गन्ने के किसान से बात करा के दिखाओ हमें भाई साहब। मिर्च के खेत में मैंने चला दिया, जो इन मिर्च के खेत के मालिक हैं हाँ, वो मेरे साथ खड़े हैं हाँ, और इन्हीं का बगल में एक खेत है जिसमें गन्ना भी लगा है। अच्छा, उसमें भी इन्होंने मशीन ये चलाई है हाँ, इनका रिव्यू लेते हैं कैसे ये मशीन चलती है। जी जी अगल कैसी चलती है मशीन? ये बहुत ठीक चलती है जी। अच्छा गन्ने में चल जाती हाँ, है? गन्ने में भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है ना। क्योंकि मिट्टी कैसे चढ़ती है गन्ने में? देखो जी जैसे हो रहा आप, अच्छा जैसे यहाँ पे काम हो रहा है हाँ, वैसे काम बिल्कुल गन्ने में होता है? ऐसे काम गन्ने बिल्कुल सर। आपको बिल्कुल सही होता है। आपको सर लाखों किसान देख रहे हैं ठीक हाँ है सर हाँ जी हाँ। किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम किसान हैं, किसान की तरह काम करते हैं सर। इनको लाइव चलाकर देखा है ना हाँ, हम भी चलाकर देखा है। बिल्कुल बढ़िया चलती है, तो हम थोड़े सामने चला दिया। बिल्कुल सर गन्ने में भी चला के देखा भाई साहब। किसान भाई को लाइव डेमो दे दिया, फिर बात धोखाधड़ी कहाँ पर रह गई? अच्छा ठीक है, हमारे साथ यूट्यूबर भी हैं जी जी, और गन्ने के 100 बीघे के किसान हैं। कोई बात, हम इनसे भी पूछ लेते हैं, साथ में ही हमारे विश्वास भी। आप ये बताओ कैसी लगी मशीन? मिर्च में तो बढ़िया चली क्योंकि मैं मिर्च का किसान हूँ। मैं गन्ने का किसान हूँ हाँ, और यूट्यूब से भी हूँ हाँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है हाँ, इस मशीन को देखने के बाद हाँ, ये गन्ने में भी काम कर सकते, मतलब गन्ना के जो किसान है इस छोटे भीम को लेके गन्ने में मिट्टी लगा सकते हैं, निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या रहता है ना, जैसे बरसात का समय आ गया हाँ, जी जी। तो बरसात का समय आने के बाद कभी कभी क्या होता है, खरपतवार ज्यादा हो जाते हैं हाँ, वहाँ पे भी काम करेगा गन्ना अगर बड़ा हो गया हाँ। भाई साहब तो चाहे दो दो फुट की खरपतवार हो हाँ, दो फुट की खरपतवार भी ये हमारा जो छोटा भीम है वो खत्म करेगा हाँ, हाँ जी। अच्छा और दूसरी बात हाँ, अकेला यही काम नहीं करता, इसके साथ चाहे आप लेवलर लगा लो हाँ, अभी मैं आपको इसके साथ कल्टीवेटर और लेवलर हाँ, यानी कि जमीन को समतल करने के लिए हाँ, वो अटैचमेंट भी लगा कर दिखाऊंगा। चलो ठीक है, फिर अब इसके साथ हम अटैचमेंट लगा लेते हैं लाइव डेमो के साथ। वीडियो कट मत कीजिएगा। कट नहीं करूंगा मैं, कट मत करना, कट नहीं करूंगा। अगर चल गई है जी, अगर जी। इसके साथ आप लेवलर चला दिया, अगर ना चली कल्टीवेटर चला दिया, आने वाली शर्त आपको याद होगी हाँ, 10 किसान ले आना, 10 को फ्री में सर मिलेगी मशीन। ये मेरा दावा है, अगर आपने चला दिया तो हमारे किसान इतना प्यार करते हैं हमसे, ये वीडियो मिलियन जाएगी। बस ठीक है, पक्का ना? बिल्कुल जी। भाई साहब ये बताओ आप जी जी, इसको चलाने के लिए एक ही बंदा चाहिए या 2-3 बंदे लगेंगे? भाई साहब चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो हाँ, वो एक बंदा ही
इसको ऐसे उठाकर अच्छा दूसरी तरफ रख सकता है, मतलब एक ही यानी कि इसका बहुत वजन कम है, हाँ। काम ज्यादा है, वजन कम है, हाँ। एक ही बंदा इसको काम में लेकर जा सकता है। किसी के पहाड़ी क्षेत्र में खेत हैं, हाँ। उसमें काम करना है, हाँ। महिलाओं ने काम करना है, बच्चों ने काम करना है खेत का, हाँ। तो वो आराम से कर सकता है जी, कोई बिना झंझट के वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर मशीन लेकर जा सकता है। बिल्कुल सर जी, आप पहले इसका जो कल्टीवेटर है ना, वो लगा के दिखाओ हमको। अभी मैंने आपको प्लाव दिखाया था, अभी हाँ। दिखाऊंगा कल्टीवेटर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई साहब, इसमें हमने कल्टीवेटर भी लगा लिया, ठीक है। तो अभी आपको कल्टीवेटर के साथ ही चलाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल जी, जमीन की जो छाती काटता हुआ ये हमारा पावर टिलर, देखिए कितने अच्छे से काम कर रहा है। हमने कल्टीवेटर लगाया है, आप देख सकते हैं गहराई के साथ ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल खतरा कर रहा है। कलियां देखिए, बिल्कुल जमीन से कलियां बाहर निकाल, बिल्कुल निकल रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी परफेक्ट चल रहा है। अच्छा सर, जैसे कि मिट्टी जो काट रहा है बहुत अच्छी काट रहा है, मिट्टी बिल्कुल कट चुकी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, काफी परफेक्ट काम कर रहा है जी सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, काफी अच्छा चला है। एक चीज और बताओ सर, बिल्कुल जी। जैसे अपना एक छोटा सा परिचय पहले तो हमारी कंपनी का एक बार फिर से। हमारी कंपनी का नाम है फार्मेश एग्रो इंडस्ट्री, जो कि अहमदगढ़ पंजाब से है। बिल्कुल, हमारी एक और भी कंपनी है अवतार के नाम पे जी, जो कि 50 साल से किसान भाइयों की सेवा में लगी हुई है। बिल्कुल, और साथ में हमने किसानों के लिए खोल ली है फार्मेश कंपनी जी, बिल्कुल बीडर की कंपनी। बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकते उन किसानों के लिए, जो छोटे किसान है, हाँ। उनके लिए हमने ये कंपनी खोल दी है और उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज और बताओ सर, इसका रेट पहले हमारे फार्मर्स को बताओ, हमारे किसान भी अगर इसको मंगवाना चाहते हैं कैसे मंगवा सकते हैं? भाई साहब, ये जो हमारा छोटा भीम है, हाँ। इसका जो रेट किसान भाइयों को जो है, हाँ। वो 27,000 रुपया लगेगा। बिल्कुल, लेकिन हमारे कहने से इतनी दूर से मैं आया हूँ, कुछ तो करो जी ना भाई साहब। एक तो आप इतनी दूर से आए हो, हाँ। और एक आगे 15 अगस्त भी आ रही है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है। बिल्कुल जी, तो उसके चलते, हाँ। अगर कोई भी किसान साथी मेरा 15 अगस्त से पहले पहले हमें ऑर्डर करता है, हाँ। ये छोटा भीम, हाँ। उसको ये जो हमारा छोटा भीम है, हाँ। यानी कि मिनी पावर वीडर है, हाँ। वो उसको 27,000 की बजाय वो उसको 25,000 में, बिल्कुल हाँ जी, 25,000 में, हाँ। इस प्लाव वाली अटैचमेंट के साथ, हाँ। घर पहुंचा कर दिया जाएगा। पक्का? बिल्कुल जी। सर कुछ और दे दो, और भाई जान दे दूं? ना ना ना, केवल कुछ और दे दो, एक अटैचमेंट और दे दो मेरे कहने से। भाई साहब, मैंने आज तक अपने किसी भी किसान भाई को निराश नहीं किया। पक्का? और अगर आप निराश होकर चले गए और किसान भाई आपके साथ जुड़े हैं, हाँ। वो भी निराश जरूर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, वो आपसे लिंक है ना। हाँ बिल्कुल है। तो अगर कोई भी किसान साथी हमारे से ये ऑर्डर करता है, तो उसको एक कल्टीवेटर और ये प्लाव वाली अटैचमेंट साथ में फ्री डिलीवरी के साथ घर पहुंचाकर 25,000 में दी जाएगी। पक्का? बिल्कुल जी, 100% 100% ओके ओके, किसानों के साथ खड़े हैं, किसान हमारी सपोर्ट है, हम किसानों की सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है जी। तो यही थी हमारे छोटे भीम की जानकारी। तो अगर कोई भी किसान साथी, बिल्कुल सर, आपकी ये वीडियो देखकर हमें 15 अगस्त से पहले ऑर्डर करता है, हमारे खाता में उसको 2,000 रुपये मात्र डलवाने पड़ेंगे ऑर्डर करने के लिए, हाँ। तो उसको 25,000 में हम मशीन भेजेंगे, ये डिलीवरी घर तक डिलीवरी हो जाएगी, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे। बिल्कुल, उसका बिल्कुल सर, बिल्कुल, काफी अच्छी और काफी बेहतरीन जानकारी दी इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से, आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। आप इतनी दूर से हमारी वीडियो बनाने आए। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमने मिर्च में चला के आपको लाइव पूरा दिखाया है, आपको कल्टीवेटर दिखाया, आपको रोटावेटर दिखाया, आपको रीजर चला के दिखाया, जबरदस्त परफॉर्मेंस है किसान भाइयों। तो आपको देरी नहीं करना है, जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पे आप घर बैठे कॉल करके इस मशीन को इजिली मंगवा सकते हैं किसान भाई। किसान भाई, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो काफी अच्छी और काफी बेहतरीन लगी होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से इसी तरह के एक यूनिक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।